आपका क्वेश्चन है द पॉइंट्स -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ, ऑप्शन दिए गए हैं राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है। ठीक है, जब आप रफ स्केच बनाओगे तो आपका कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारा x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको रफ स्केच बनाना है। सबसे पहले दिया गया है -4,0, दैट मीन्स -4 कहां पर होगा आपका, समवॉट यहां -4,0। ठीक है, सेकेंड इज 4,0, तो 4, इज हियर, 0 से इक्वी डिस्टेंस पे दोनों आ गए। नेक्स्ट 0,3, एक्स इज 0 एंड नेक्स्ट इज 3, तो 3 आपका कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो आपका वैल्यू उस टाइप से आ गई। आप ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप देखोगे कि ट्रायंगल के अंदर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये क्या है, यहां पर इक्विडिस्टेंस है, मिड पॉइंट है ये, है ना। यहां से ये -4 है, यहां पर 4 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 0-4 एंड 0-4 कितना हो गया आपका, 8। ठीक है, अब यहां से यहां तक और यहां से यहां पर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल, है ना। अगर आप नंबर करते हो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ ए ओ इज -4, यानी 4 डिजिट्स का अंतर है, एंड 0 टू बी इज अगेन 4 डिजिट्स, तो 8 हो गया। ए टू सी एंड सी टू बी इज इक्विडिस्टेंस, क्योंकि आपका 0 के एंड पे है, तो आपका ये किस टाइप का ट्रायंगल है, समवॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमको, हमारा डाउट है कि हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो, वो भी सकता है। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या है, ये हमारा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करते हैं हम, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है हमारी, 4। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 0 से सी की वैल्यू क्या है हमारी, 3, है ना। तो 3 स्क्वायर तो कितना हो गया, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। तो अगर हम इसको रूट करेंगे, √25, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी, एसी दैट इज इक्वल टू बीसी या सीबी, तो कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 5 आ गई, ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा कितना था, 3। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ab स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका, 25 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 50। तो क्या हो गया आपका, अब नाउ ab इज इक्वल टू √50, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√2। ठीक है, लेकिन हमारी यहां की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 4a, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, दिस नहीं है,
इक्विलेटरल तो है ही नहीं, एंड स्केलियन ट्रायंगल यानी जिसके तीनों साइड्स आर डिफरेंट, तो हमारे दो साइड्स आर सेम, ठीक है, तो हमारा क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 एंड 3, -4 इन रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द ऑप्शंस क्या है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये कहां पर लाई करेगा आपका बता रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है हमारा x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले वाला ये है, सेकंड इज दिस वन एंड रेशियो इज दिस वन, ठीक है। तो हमारा m क्या है वो हम लिख लेते हैं पहले, m1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है रेशियोस में वन, एंड एम टू क्या है हमारा टू, ठीक है। अब एक्स वन क्या है हमारा एक्स वन इज सेवन, एंड एक्स टू क्या दिया गया है हमारा थ्री, नेक्स्ट वाई वन क्या है हमारा -6, एंड वाई टू हमारा क्या है -4। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू एम वन मीन्स वन वन इंटू एक्स टू इज थ्री प्लस एम टू इज टू इंटू एक्स वन इज सेवन बाई वन प्लस टू, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू वन इंटू वाई टू, वाई टू क्या है हमारा -4 प्लस टू इंटू वाई वन, वाई वन इज -6 बाई वन प्लस टू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 × 3 = 3 प्लस 2 × 7 = 14 बाई 2 + 1 = 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 17/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17/3 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 × -4 = -4 2 × -6 = -12 बाई 3। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -4 - 12 = -16 बाई 3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई -16/3, ठीक है। तो ये यहां पर कौन सा साइन है, यहां पर प्लस का साइन, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स में क्या है साइन देखो, प्लस का साइन है x में कॉमा और y के अंदर क्या है माइनस का साइन, ठीक है। तो प्लस कॉमा माइनस किसके अंदर आता है आपका, आप जब कोऑर्डिनेट बनाएंगे ग्राफ के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा दिस वन, इसमें प्लस एंड प्लस, इसके अंदर क्या होता है हमारा माइनस एंड प्लस, एंड इसके अंदर माइनस एंड माइनस, एंड ये जो नीचे वाला वैल्यू है फोर्थ कोऑर्डिनेट इसके अंदर प्लस एंड माइनस 1, 2, 3 and 4। तो हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया ये फोर्थ, तो फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है आपका डी।